फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं आलू का बहुत ही चटपटा और टेस्टी नाश्ता। इसको बनाने के लिए ये देखिए मैंने बॉइल्ड पोटैटो लिया है। ये बहुत ही जल्दी बनने वाला नाश्ता है। इसे मैं एक व्यक्ति के लिए बना रही हूँ, तो आप अगर ज़्यादा के लिए बना रहे हैं तो ज़्यादा भी आप बना लें, तो उससे ज़्यादा ले रहे हैं। मैं इसके लिए एक ही पोटैटो लिया है, अगर ज़्यादा के लिए बना रहे तो ज़्यादा ले लीजिए। इसको पहले हम पील ऑफ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से पील ऑफ करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हमें पील ऑफ कर लेना है, फिर एक बाउल लेना है। पील ऑफ करने के बाद इसको बाउल में रख लेना है। फिर इसको बाउल में रखने के बाद इसके ऊपर हम डालेंगे नमक। नमक हमने स्वाद अनुसार डालना है, क्योंकि एक आलू लिए थे उसके अकॉर्डिंग मैं नमक डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा आलू ले रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़्यादा इसमें नमक डालें। और ये देखिए अब इसमें हम डालेंगे लाल मिर्च। लाल मिर्च आपने कितनी लेनी है ये देखिए, अगर आप बच्चे के अकॉर्डिंग डाल रहे हो तो कम डालें, अगर बड़े खा रहे हैं तो ज़्यादा भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर कोई नहीं खाता तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। तो इसमें हमने लाल मिर्च डालने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे अमचूर। इसमें हाफ हाफ स्पून ही मैं डाल रही हूँ, क्योंकि क्वान्टिटी हमारी कम है तो आप उसके अकॉर्डिंग कम ही डालें, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा ले लें। तो फिर अब इसमें हम डालेंगे हमारा मसाला। मसाला इसमें कोई भी आप डाल सकते हो, किचन किंग डाल सकते हो, गर्म मसाला डाल सकते हो या चाट मसाला। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हमारी काली मिर्च, वो भी हमने थोड़ी सी डालनी है। और उसके बाद इसको हमने मैश कर लेना है। अब इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लेना है। मैश करते हुए इस बात का हमने ध्यान रखना है इसमें कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। तो ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से प्रेस करते हुए मैश करना है। चाहे तो आप मैशर का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन मैं एक आलू का कर रही हूँ तो इसमें मुझे मैशर की ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए मैं इसको हाथ से ही अच्छी तरह से मैश कर रही हूँ। तो इसको हमने अच्छी तरह से मैश करने के बाद इसकी गोल गोल स्मॉल लोई बना लेनी है। स्मॉल स्मॉल जैसे बाउल में होते हैं ना, छोटे छोटे बाउल्स बॉल्स, वो बना लेनी है स्मॉल स्मॉल। लेकिन मैश हमने अच्छी तरह से इसको करना है। ये देखिए अब इसको हमने ऐसे ही मैश करके हमारे हो चुका है ना, तो अब इसको मैं अब क्या करूँगी इसकी अच्छी तरह से। ये देखिए मैश कर लिया है, आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से मैंने अब इसकी बॉल भी बना ली है। ये देखिए सारी इसकी स्मॉल स्मॉल बॉल्स इस तरह से बनाकर एक तरफ रख ली हैं। पहले बॉल्स मैंने इसको तैयार कर लिए हैं। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, अब मैंने लिया है अप्पे पैन लिया है। इस तरह से उसको मैंने ग्रीस कर लिया है। तो ग्रीस करने के बाद हमने जो बॉल्स बनाई हैं उनको हमने जहाँ पे आपको लगे कम ग्रीस है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा और ऑयल लगा लें। तो जैसे बस थोड़ा थोड़ा बूंद ही डालना है, जिसमें ज़्यादा हमने घी का प्रयोग नहीं करना है। और हमारी बॉल्स को अप्पे पैन में रख देना है इसी तरह से हल्का हल्का प्रेस करके। ये देखिए इस तरह से मैंने अपने जो अप्पे पैन में सारी बॉल्स हमारी इस तरह से इसमें मैंने रख ली है। ये देखिए इस तरह से वन बाय वन हमने इसमें रखनी है, कोई भी इकट्ठी नहीं रखनी है, एक एक करके इसमें ऐसे रखती जानी है। ये देखिए इसमें मैंने इस तरह से रख ली है, जितनी मिलानी है उसके अकॉर्डिंग आप रख लें। अब इसको हमने सेकना है। हमने इसमें 3 मिनट बस लगेंगे, 3 मिनट के बाद इसको ऐसे ऑपोजिट कर देना है। ये देखिए ये कितने अच्छे और फ्राई की तरह लग रही है ना, लेकिन ये नॉन फ्राई और बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेंगे इसके, लेकिन बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़िया स्नैक्स बनेंगे ये। इसी तरह नहीं खाने हमने सॉस के साथ, कहीं आप सोचें कि हमने इसको इस तरह से बना लिया तो इसको हमने इसी तरह से खाना है, नहीं। इसको और भी यम्मी बनाने के लिए एक और हमने जो मेन स्टेप है वो आगे हम करेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये 3-3 मिनट में हो जाएगा। इस तरह से हमारे ओनली 6 मिनट्स हुए हैं अभी, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक और स्टेप कर रही हूँ, वो मैं आपको आगे जाकर बता रही हूँ। ये देखिए इसको हमने बना लिया है, तो इसको हम इसमें से निकाल लेंगे। ये देखिए दोनों तरफ से हो चुका है ना, तो इसको अलग से हम निकालेंगे। और दूसरी तरफ जो मैं कर रही हूँ वो है कि हमारे प्याज हैं, जो मैंने 2 ली प्याज लिए हैं। और फिर इसको भी हमने अच्छी तरह से मतलब कट करके, जैसे पील ऑफ करके अच्छी तरह से इसको हमने कट कर लेना है, ठीक है, लॉन्ग रफली। तो फिर मैंने ऐसे ही 2 टमाटर लिए हैं, टमाटर को भी हमने इसी तरह से हमने कट कर लेना है रफली। फिर मैंने जैसे कढ़ाई ली है, कढ़ाई में मैंने 1 स्पून घी डाला है, जिसमें हम क्या करेंगे वो आगे बताते हैं, अभी गर्म होने के लिए रखा है। और हमने ये जो है मिक्सी में, जो मिक्सी ग्राइंडर होता है, उसमें मैंने ये टमाटर रफली कट करके डाल लिए हैं।
और जो घी है हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम अब थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा सा जीरा डाल देंगे। और उसके बाद हमने जो क्या किया है, चॉप किए जो है हमारे अनियंस हैं उसको हम इसमें डाल देंगे। इसमें हमने सारे जो हैं हमारे चॉप किए हैं वो सारे इसमें हमने डाल देने हैं। और इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको हमने हिलाते रहना है। ये देखिए इस तरह से इसको हमने हिलाते रहना है। और ये हमने मीडियम आंच पे करना है। स्टार्टिंग में हम थोड़ी हाई भी रख सकते हैं, लेकिन जैसे लगे इस तरह से हमारा बनना शुरू हो गया है, ये देखिए सिकने शुरू हो गए, तो हम इसकी मीडियम फ्लेम कर देंगे। इसको अगर जल्दी बनाना चाहते हैं तो मीडियम पर ही जल्दी जल्दी से हिलाते जाएं। और ये देखिए हमने इस तरह से हिलाते जाना है। फिर हमने दूसरी तरफ हमारे जो टमाटर हैं उसको हमने इसमें हमने डाल दिया कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते की क्वांटिटी आप देख सकते हो। फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे हमारे जो अनियन है, हमने इसी तरह से हमने कर लिए हैं रफली जैसे। अब इसमें हमने अपने अनियन डाल दिए हैं और अब इसको हम कर देंगे बंद। अब इसको हमने महीन पीस लेना है। अब हमने महीन पीसने के बाद जो हमारी कढ़ाई है, ये देखिए वो बिल्कुल ही जैसे खाली हुई है ना, इसी में अगेन डाल दें, क्योंकि इसके अलग अलग घी लगा हुआ था ना, वो सारा इसी में आ जाएगा। और फिर इसमें हमने डालने के बाद हमने इसको पकाना है। ये देखिए जैसे हम ग्रेवी पकाते हैं ना वैसे बनाएंगे, लेकिन हम ग्रेवी वाले नहीं बना रहे हैं। इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे मसाले के अकॉर्डिंग, जितना हमारा ये मसाला तैयार हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें नमक डाल देंगे। ये देखिए हमारा जो मसाला ये बन रहा है अभी अच्छी तरह से। अब ये देखिए कितना बढ़िया मसाला बन रहा है ना, और कितना गाढ़ा है। तो इसको हमने इस तरह से बनाना है। ये देखिए इस तरह से हिलाते हुए इस तरह से हमने इसको बनाते जाना है। और इसको इस तरह से करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको हमने जैसे इस तरह से हिलाते जाना ताकि ये थोड़ा सा घी छोड़ना शुरू कर दे। लेकिन अब इसमें हमने डाला है अमचूर इसका फ्लेवर बढ़ाने के लिए। अब इसमें हमने डाल दी थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा मसाला। इसको हमने अब अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए हमारी ग्रेवी की तरह अभी, लेकिन ये देखिए हमसे अब बिल्कुल ही गाढ़ा हो चुका है। और फिर हम क्या करेंगे, हमारे जो स्नैक्स हमने बनाए थे ये देखिए वो लेंगे। ये देखिए हमने जो अपने स्नैक्स बनाए थे उनको हमने लेना है और अपना जो हमने मसाला तैयार किया है उसमें डिप कर देना है। अच्छी तरह से इसको हिलाना है। ये देखिए सारी कोटिंग कर देनी है, हमारे जो बनाए हुए थे ना बाउल्स उसकी अच्छी तरह से इसमें कोटिंग कर देनी है। और इसको अब हम डालेंगे कहाँ पे, सर्विंग प्लेट में। तो इसी तरह से हमने अपने सारे जितने भी हमारे हैं उन सबको अपने इसी मसाले में डाल देना है। और फिर इसको हमने उसी तरह से कोटिंग करके अच्छी तरह से सभी को, ये देखिए मैंने इसमें सारे डाल लिए हैं। और ये देखिए इस तरह से हमने कोटिंग करते जाना है और फिर इसको हमने अपनी सर्विंग प्लेट में रखते जाना है। ये देखिए इस तरह से कितना यमी दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करो और मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये मेरा रेसिपी आपको कैसी लगी। देखिए इस तरह से हमारे जो सारे जो हमने बनाए हुए हैं बॉल्स उसको आपको हमने कोटिंग कर लिया। और ये देखिए ये देखने में कितने यमी लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यही कि अगर कोई गेस्ट भी आ जाता है तो आप इस तरह से बनाकर उनको सर्व कर सकते हैं। और ये टेस्ट बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और ये देखिए इसको हमने अब इस तरह से अपने सर्विंग प्लेट में डाल लिया है। तो चलिए अब इसको हमने, ये देखिए कितने यमी दिखाई दे रहे हैं। तो अभी अब इसको खाकर ही पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि देखने में तो ये सुपर सुपर हैं। अब इसका टेस्ट भी अब हम कर देखते हैं कि ये कैसे बने हैं। तो चलिए इसको हम ट्राई करते हैं कि ये कैसे बने हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अब ये इस तरह से हमारे 6 पीस बन चुके हैं एक पोटैटो से, आपको ये पता चल चुका है। एक पोटैटो से मैंने 6 पीस बनाए, तो आप देख सकते हैं आपको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप पोटैटो आप ज़्यादा ले सकते हैं। तो चलिए अब इसको हम ट्राई करते हैं सॉस के साथ। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये रेसिपी सी लगी। थैंक यू वेरी मच।